दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कारम, आदाब और वणकम। ये तो थी हमारे ग्रीटिंग्स हमारे चैनल्स की। दोस्तों आज हालांकि मैं डालने वाला तो था जो CGL SSC 2018 का टायर वन, उसके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वो डालने वाला था, लेकिन सडनली मुझे शाम को एक किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू सक्सेस। एक एस्पिरेंट ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा। मैंने कहा इसका उत्तर मैं ज़रूर ढूंढूंगा, तो इस वीडियो में आप देखिए उसका उत्तर जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार मुझे मिला है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखिए मैं इसके उत्तर के आपको बताने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ या कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मैंने अपने बचपन में अपने दादाजी या शायद नाना जी से सुनी थी। बहुत पहले की बात है, किसी प्रदेश में एक किसान रहता था। उसके तीन बच्चे थे और उनकी पत्नी थी, ये उसका परिवार था। किसान बहुत मेहनत करता, अपने खेत पे फसल उपजाता और उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाता और परिवार को पालता। धीरे धीरे किसान के बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी किसान की तरह नहीं बना। वो सारे आलसी निकल गए और उन्हें मेहनत करना गवारा नहीं था। किसान की अवस्था अब हो चुकी थी, वो वृद्ध हो रहे थे। चिंता सताने लगी कि मेरे बाद मेरे संतानों का क्या होगा। हर माता पिता को इस विश्व में, भले ही बच्चों को उनकी चिंता हो या ना हो, लेकिन हर माता पिता को अपने बच्चों की चिंता ज़रूर होती है। अब इसमें कहानी के अंदर मैं आपको और एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, ये बताने के लिए कि कैसे माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं। एक राजा था किसी प्रदेश में, वह बहुत धन धान्य से संपन्न था। एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री मुझे ये बताओ कि मेरे कोष में, मेरे खजाने में कितनी रकम है, कितने मोहरे हैं। मंत्री ने कहा, जी जनाब। कुछ दिनों बाद वह राजा के पास आया और कहा, राजा जी, महाराज, आपके खजाने में इतनी रकम है, इतने मोहरे हैं सोने की चांदी की, कि आपकी 25 पुश्त अगर कुछ न कमाए तो भी आराम से जिंदगी व्यापन कर सकती है। राजा रोने लगा। मंत्री आश्चर्यचकित पूछा, हे राजन, आप क्यों रो रहे हो। राजा ने कहा, मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि मेरी 25 पुश्त तो आराम से खा लेगी, 26वीं पुश्त का क्या होगा। खैर, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हर माँ बाप अपने अगली जो पीढ़ी रहती है उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो यहाँ किसान भी चिंतित हो गया। लौटते हैं अपनी वास्तविक कहानी पर। किसान सोचने लगा, मेरे बाद मेरे संतानों का क्या होगा। सोचते सोचते काफ़ी तनावग्रस्त हो गए वो, और एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। तुरंत उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, सुनती हो, मेरे सारे बच्चों को बुला लो। पत्नी ने तीनों बच्चों को बुला लिया। मृतशैया पर किसान ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम लोगों के लिए एक राज की बात मैं आज बताने जा रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए मैंने एक सोने के मोहरों से भरा मटका अपने खेत में गाड़ दिया है, लेकिन मुझे अब यह याद नहीं आ रहा कि मैंने वो उत्तर में गाड़ा या दक्षिण में, पूरब में गाड़ा या पश्चिम में या मध्य में। तो आप उस खेत में लेकिन ज़रूर वह मोहरे गड़े हैं। बच्चे काफ़ी खुश हो गए अपने। तो फिर ऐसा कह के किसान का देहावसान हो गया, उनकी अंतिम क्रिया हुई। उसके बाद बच्चे फावड़ा लेकर चल दिए खेत की ओर। उन्होंने खेत को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य सारी दिशाओं से खोद दिया। दिन बीते, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ न करने वाले 10 दिनों तक खेत को खोदते रहे, लेकिन उन्हें वह सोने का मटका नहीं मिला। थके हारे वह घर वापस आए और अपने पिता को कोसने लगे। माता ने जब उन्हें व्याकुल देखा तो माता का हृदय तो पता ही है आप लोगों को। फिर एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि एक बेटे को नशे की लत लग गई। अब पैसे उसे लाने थे तो माँ से मांगने लगा। माँ ने कहा, नहीं है, लेकिन नशा तो उसे करना था। तो
नशे वाले ने कहा, तुम ऐसा करो अपने माँ का कलेजा ले आओ। वह माँ का कलेजा, माँ को कलेजा लेकर और चल दिया। माँ भी खुशी खुशी अपने बेटे के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दी। नशे में तो वो था ही, उसे ठोकर लगी, माँ के कलेजे से आवाज़ आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? तो ये होती है माँ की ममता। लौटते हैं वास्तविक कहानी की ओर। तो फिर माँ ने कहा, बच्चों तुम इतने व्याकुल क्यों हो? बच्चों ने कहा, देखो ना माँ, जो मृत्युशैया पर पिताजी ने बात कही थी वह तो झूठी निकली। माँ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पिताजी ने आज तक कोई झूठी बात नहीं कही, ज़रूर कुछ न कुछ उसका अर्थ होगा। जब माँ ने कहा, बच्चों मैं तुम्हारे साथ खेत चलती हूँ। खेत जब गए वो लोग, माँ ने देखा जो कभी मेहनत न करने वालों ने तो पूरे खेत को खोदा था। माँ समझ गई माजरा। माँ ने कहा, बच्चों अब इसमें आप बीज बो दो। बच्चों ने कहा, ऐसा क्या? बोला, आप बो के देखो। बच्चों ने वो उस खेत में बीज बो दिए। उसके बाद उसकी जुताई हुई और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद लहलाती हुई फसल वहाँ खड़ी थी। उसे बेचा जब मंडी में तो बहुत अच्छे दाम मिले। माँ ने कहा, देखो पिताजी इसी सोने की बात कह रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों ने मेहनत किया और फिर जाकर उन्हें वह फसल के रूप में सोने का मटका मिला। तो बच्चों, जो आप लोग सोचते हैं, जो अब 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, कि कुछ शॉर्टकट है सक्सेस का, ये हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, वो पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, मुझे इस वृत्तांत को बताने का सिर्फ एक तात्पर्य था कि क्या है सक्सेस का शॉर्टकट। तो इसका उत्तर है, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मैं आपको अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बच्चों, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता मिलेगी कैसे, अब आप पूछेंगे? सफल तो सबको होना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो बच्चों, फॉर सक्सेस बिलीव ऑन 3 Ds। ये मेरा अनुभव है, डिटर्मिनेशन आपकी इच्छा शक्ति, डेडिकेशन आपकी जो उस काम के प्रति समर्पण, और डिवोशन यानी दृढ़ निष्ठा। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत पेशेंस और धैर्य से ये मेरी कहानी सुनी। यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में ये कहानी ज़रूर हो सके, 0.1% भी अंतर लाए तो मैं अपने आप को धन्य मानूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो, और इस कहानी को ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी हौसला बढ़े और वो सफल हों। तो फॉर द टाइम बिंग, दिस मच फ्रॉम योर हम सफ़र द हम्बल गाई, सी यू एंड बाय बाय।